नमस्कार, मैं हूं समर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आज की खबर। धोनी जब से क्रिकेट फील्ड से दूर हुए हैं तब से उनको लेके काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि वो रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं तो कोई कह रहा है वो आने वाली सीरीज़ में वापसी करते नज़र आएंगे। इसी बीच इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच यानी कि रवि शास्त्री का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। जी हाँ, रवि शास्त्री ने एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए बताया है कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़े प्लेयर हैं और वो जब चाहेंगे वो टीम में वापसी करेंगे। उनके लिए कोई प्रेशर नहीं है, ना ही टीम मैनेजमेंट से, ना ही BCCI से, ना ही कहीं और से। शास्त्री ने धोनी के फैंस को एक मैसेज दिया है कि जो फैंस धोनी का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, उनको रवि शास्त्री का ये मैसेज है कि उन्हें IPL तक इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि IPL पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। शास्त्री के अकॉर्डिंग महेंद्र सिंह धोनी का प्रदर्शन IPL में किस तरह का रहता है इस पर भी काफ़ी कुछ चीज़ें निर्भर करेंगी। शास्त्री ने कहा कि जो धोनी के अलावा जो अदर विकेटकीपर बैट्समैन इंडिया के हैं उनका प्रदर्शन भी देखा जाएगा कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात भी बताने वाली ये है कि शास्त्री बोलते हैं कि IPL एक ऐसा टूर्नामेंट है जो एक तरह से लास्ट टूर्नामेंट होगा T20 का वर्ल्ड कप से पहले। जी हाँ, क्योंकि अगले साल T20 वर्ल्ड कप होना है, तो शास्त्री का कहना है कि IPL एक ऐसा टूर्नामेंट होगा जिससे वो इंडिया की 11 या यूं कहें इंडिया की 15 डिसाइड करने में सिलेक्टर्स को काफ़ी हेल्प करेगा। इसलिए धोनी पर भी नज़रें होंगी कि धोनी का बल्ला चलता है कि नहीं, किस तरह से परफॉर्मेंस धोनी का रहता है IPL में, इस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। हालांकि शास्त्री ने और भी चीज़ें बताई टीम के बारे में। उन्होंने कहा वो टीम के प्रदर्शन से काफ़ी खुश हैं। बाकी अगर बात की जाए ऋषभ पंत की, जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी 4 महीने से टीम से बाहर हैं और इन 4 महीनों में लिमिटेड ओवर क्रिकेट में किसी को सबसे ज़्यादा मौका मिला है उनकी जगह पर, तो वो है ऋषभ पंत। पर ऋषभ पंत अपने जो मिले चांसेस हैं उनको भुनाने में कम्प्लीटली नाकामयाब साबित हुए हैं। वो बहुत ही सिली शॉट्स खेलकर अपना विकेट गंवा देते हैं अपनी। हालांकि उनकी उम्र कम है पर एक्सपीरियंस उनको काफ़ी हो चुका है। अभी भी अगर वो अपनी गलती से नहीं सीखते हैं तो ये उनके लिए एक डेंजर जोन बन चुका है। ऋषभ पंत के लिए अब एक तरह से आखिरी मौके हैं जो आने वाले टूर्स हैं। इसके अलावा मैं बात करूं संजू सैमसन की, यहाँ पे बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश जो सीरीज़ थी उसमें उनको मौका मिला था पर फिर बिना बताए उनको ड्रॉप कर दिया गया, जिसकी वजह से सैमसन काफ़ी अपसेट भी थे। उन्होंने ट्विटर पर एक स्माइली शेयर किया जिसके बाद ट्विटर यूज़र्स उनके सपोर्ट में आ गए और ट्विटर यूज़र्स ने BCCI और सिलेक्टर्स को बहुत ही बुरी तरीके से लताड़ा। जिसके बाद हालांकि आज एक तरह से अच्छी अपडेट इनके लिए, सैमसन के लिए ये आई है कि धवन की इंजरी की वजह से संजू सैमसन ने शिखर धवन को रिप्लेस किया है। जी हाँ वेस्ट इंडीज़ से जो T20 सीरीज़ होनी है उसमें शिखर धवन को रिप्लेस कर लिया है संजू सैमसन ने। बाकी रही बात महेंद्र सिंह धोनी की, तो यह तो वक्त बताएगा कि वो वापसी कब करते हैं, पर अगर रवि शास्त्री की माने तो IPL तक उन्होंने इंतज़ार करने को बोला है। बाकी क्रिकेट से जुड़ी और तमाम अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें आज की खबर के साथ।